चल 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 चल, कुछ नहीं कहती कुछ नहीं कहती कुछ नहीं कहती भाई साहब। कितने मजे के ये मीट है, ये खाओ आप। गंदे खराब है। कहाँ लग रहा है ब्लड की तरह? ओ छोटा सा डॉट है बेबी। अच्छा बाबा को ये बताओ, खाना खाने से पहले क्या करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? गंदे वाले हैंड वॉश। अब हम हैंड वॉश कर लेंगे पहले। ओके आ जाओ। हस्बी अल्लाह, जब गिरते हैं क्या पढ़ते हैं? हबीबी का पराठा है माशाल्लाह। और ये क्या है? दाल और दही। दाल कौन सी दाल? मजे वाली दाल। लो भाई हवाला लग चुका है ये नाश्ता। सबसे पहले नाश्ता करेंगे, बाकी काम बाद में है। और आज हमारे पास एक खुशखबरी भी है हबीबी के लिए। हबीबी आपके लिए खुशखबरी है ना बाबा के पास, है ना? क्या है भला, पता है आपको? नाश्ते के बाद बताएंगे बाबा, आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें लुकमे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत मसूर तो बहुत मज़ेदार होते हैं। ये मूँग और मसूर की दाल। मसूर की दाल है मसूर की दाल बेटा। अभी आपको ये कहावत समझ नहीं आई, जब समझ आती ना आपने तो ऐ करना था। चलो आज जल्दी आ जाओ, अपना एग खाओ अपनी दही खाओ जल्दी से प्लीज कम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ना चीकू को फ्रेश कर दो, हम लोग फिर ना हवेली जा रहे हैं। हबीबी तो बात नहीं कर रहे बाबा से, रूठा हुआ है। हबीबी बात नहीं कर रहे, मैं और चीकू हम हवेली जाएंगे। ठीक है जल्दी है, चीकू को तैयार कर दो। ठीक है बीबी, कहाँ जाएंगे हम? चीकू भैया कहाँ जाएंगे? बाहर। किसने मारा मेरे बच्चे को? आपने मारा भैया को बेटा? फिर भैया क्यों रो रहे हैं? नहीं बेटा, तो भैया इसलिए हो गए ना, भैया दस्तरखान तक जा रहे थे, आपने भैया का रास्ता रोका, भैया को अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं करते बेटे, छोटे भाई की तो केयर करते हैं। भैया सॉरी कर रहे, ठीक है अब नहीं मारेंगे आपको। ओके ओह, दस्तरखान की तरफ इशारा कर रहा है कि बाबा दस्तरखान तक रिसाई दे दो मुझे बस। बेटा पहले फ्रेश तो हो जाए, आपने फेस भी वॉश नहीं किया। अब रास्ता रोक दो बाबा का। हम लोग क्या मम्मा उठा रही है दस्तरखान। ओए होए, उसे दुख हो रहा है कि दस्तरखान उठ रहा है, मैंने कुछ खाया ही नहीं है अभी। अभी बस थोड़ी देर में रेडी होके हम लोग जाएंगे हवेली। कोई बच्चा तो हमसे नाराज है, वो तो हवेली जाएगा नहीं, मैं और चीकू जाएंगे। हाँ ना चीकू भैया, हम कहाँ जाएंगे? हवेली जाएंगे हम। कोई बच्चा तो हमसे नाराज है, उसे तो लेके नहीं जाएंगे हम। नहीं कर रहे ना बाबा से बात? ठीक है आप नाराज रहो, हम हवेली जाएंगे। चलो साइड में हो जाओ, बाबा को जाने दो। आप तो बाबा से बात नहीं कर रहे ना? बात ही नहीं कर रहे बाबा आपसे, फिर क्यों नहीं जाने देंगे आप? चलो साइड में हो जाओ प्लीज। चलो आप तो बाबा से बात नहीं कर रहे ना बेबी, आप क्यों रोक रहे हो बाबा को? क्या नहीं जाऊंगा? क्या नहीं जाऊंगा? क्या दोबारा बताना? मैं भी जाऊंगा। बाबा से ऐसे नाराज होते हैं बेबी छोटी सी बात पे? सॉरी। आप तो बाबा से नाराज नहीं होंगे ना? ये जोर वाली हकी करते हो बेटा आप। चलो अब जल्दी से थोड़े से फ्रेश हो जाओ, फिर बाबा लेके जाएंगे। ठीक है ना आ रहा है? नहीं, हवा है। आप क्या देखने जा रहे हैं हवेली में? गाय का बेबी। अभी तो छोटा सा है, काफी दिन बाद बड़ा होएगा। सलाम अलैकुम। गाय का बेबी कहाँ पे? वो बड़े वाला बेबी तो पहले ही उधर है, ये पहले ये बेबी था गाय का ही। अभी हम छोटे वाला बेबी देखेंगे। कहाँ छोटे वाला बेबी? इधर आओ। इधर कहाँ 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 कहाँ? इधर। ओए माशाल्लाह हबीबी, ओए माशाल्लाह देखो कितना छोटा सा है, प्यारा है ना? जाना है पास उसके। रिवाइज नहीं करता? नहीं आप आगे आओ ना।
हाँ जी आ जाओ, आपका हैंड लगवा लेते हैं थोड़ा सा, आ जाओ फिंगर पकड़ो बाबा की, फिंगर पकड़ो बाबा। आप इधर आ जाओ बाबा के, फिंगर पकड़ लो, हाँ थोड़े हॉट हो गए, फिंगर पकड़ो बाबा के, सब बच्चों ने देखा था, आप भी देख लो, आ जाओ प्यार करेंगे थोड़ा सा उससे। ओ भाई साहब फिंगर तो पकड़ो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते बेटा, डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं कहते, आगे आगे चलो, देख बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे माशाल्लाह कितना क्यूट है ना, क्यूट है ना, कितना देख कुजी कुजी सा है ना, कुजी कुजी है ना, फेस भी देखा उसका कितना कुजी कुजी सा है माशाल्लाह ना, अल्लाह पाक ने दिया कितना प्यारा बेबी का आएगा, हाँ जी इसका है। पारा पारा चल 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 चल, कुछ नहीं कहती कुछ नहीं कहती कुछ नहीं कहती, भाई साहब डर के भाग आया भाई उधर से, इधर आ जा अच्छे से हैंड वॉश कर लो, नहीं बॉडी गंदी नहीं हुई बड़ी बेटा, वो वॉश करते हैं ना छोटे से बेबी को हैंड लगाते हैं जब, आप बताओ कैसा लगा बेबी आपको, क्यूट है ना, चिक्कू की तरह है ना, पहले था ना देखो माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है, एक सवा साल पहले की ये बच्ची है भाई माशाल्लाह से, ये तो पूरी गाय बनने वाली है, देखो कितनी प्यारी है, प्यार करती है ये, हाँ जी जी बेबी, हाँ वो वाली भी बड़ी हो गई, छोटे वाला क्यूट सा बेबी अभी हुआ है ना, वो भी इसकी तरह बड़ा हो जाएगा कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह, दूध पिएगा ना इसकी, हाँ उसकी आंखें बड़ी खतरनाक है बेटा, मारता है ये, इसके पास नहीं जाना, देखना अभी क्या किया था कैसे किया था, जब मुड़ के वापस आए पीछे से भागा है भाई, उठने की कोशिश की बेचारे ने फिर गिर गया दूसरी तरफ, फिर निन्नी करेगा फिर शाम को उठेगा, ओ यो 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 भागो 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 भागो, देखो उठने की कोशिश कर रही, देखो देखो देखो, शाबाश 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 शाबाश, अभी छोटी बेबी है ना, अभी इसे वॉक नहीं करने आई, जब बड़ी हो जाएगी फिर वॉक करने आ जाएगी, हाँ ये मैंगो का पौधा छोटा सा, अभी बड़ा हुआ नहीं, अभी होएगा, अभी तो छोटा सा है, इसमें मैंगो लगते हैं, ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स नहीं है बेटा, खाओ ग्रेप्स, क्या खाया क्या है ये, मजे के ग्रेप्स है, ये मीठे हैं, वो कड़वे आ गए थे गलती से, ये मीठे हैं, ये खा लो मजे के ग्रेप्स है, ये खा गया भाई नीम से तोड़ के, कैसे हैं ग्रेप्स, कैसे गंदे ग्रेप्स हैं ये, कैसे ग्रेप्स हैं गंदे, कितने मजे के, आइए आप खा के देखो, ये मीठे हैं, ये खाओ आप, ये वाला खा के देखो, ये मीठे हैं, ये पके हुए, वो कच्चा खा लिया था आपने पहले, पूरी करो कूली कूली, वैसे पके वाला खा लो, ये पके वाला, ये कट, ये कड़वे नहीं, ये खा लो, ये मजे के हैं ना, खाओ 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 खाओ, खा लो ना, आपके पास सारे कड़वे क्यों आ रहे हैं, ये नीम से तोड़ के खा गया, कहता ग्रेप्स लगे हुए हैं बाबा, बेटा ये ग्रेप्स नहीं है, ये नीम के बीज हैं, ये नहीं खाते, इनको पका के खाते हैं, नहीं इनको नहीं खाते, कड़वे होते हैं ये, थोड़े से ग्रेप्स और खा लो, दिल कैसा हो रहा है, गंदा गंदा हो रहा है, हाँ। पानी लेके आया कुली करने के लिए, और फुल कड़वे वाली वनहीन के निबोलियां खाती है भाई इसे, अब छोड़ दो बेटा ग्रेप्स तो छोड़ दो ना, अब ग्रेप्स हैं ये ये पानी कुली कर लो अच्छे से, ये बड़ा हो जाएगा ना इसकी तरह इतना बड़ा, फिर इसमें भी ग्रेप्स लग जाएंगे, फिर आप खाओगे ग्रेप्स इसके भी कड़वे वाले, इसमें कड़वे ही लगते हैं बेटा, नहीं बाबू उधर क्या डिजाइन करते हैं, इधर इधर रस्सियां बांध दी, जब हमारे पास कुकू थे ना बड़े बड़े, हाँ। तब यहाँ पे नेट लगाया था इनके अंदर ये हुक्कों के, घर जाना चलो चलते हैं बेटा, दोपहर का टाइम है भाई, थोड़ा हाजमे का ख्याल भी रखना, तो बेगम ने बनाई हमारे लिए सलाद, मैं सलाद बनाई मैं मन खानी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मजे की है,
तीन दिन की बरसात मुसलसल, तीन से चार दिन की बरसात के बाद आज टाइम मिल गया है कि बारिशों का सिलसिला उम्मीद है कि मतलब थमने की बात हो रही है, क्योंकि आज अच्छी खासी धूप है। ये देखें गाड़ी की सर्विस करवाने जा रहा हूँ। नॉर्मली पहले ये होता था जब मैं गाड़ी की सर्विस करवाने जाता था और करवा के जब वापस आ रहा होता तो बारिश शुरू हो जाती थी, फिर उस दिन शाम तक बारिश आ जाती थी। तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह आज जो है ना धूप अच्छी खासी निकली हुई है बाहर, और पिछले तकरीबन तीन से चार दिन तो मुसलसल बारिश हो रही थी, और उससे पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गाड़ी की हालत बहुत ही इंतहाई दर्जे की ख़राब हुई पड़ी है। तो आज इंशाल्लाह इसकी सर्विस हो जाएगी। हम लोग पहुंच गए हैं जी सर्विस स्टेशन। रश है, ट्राले श्राले भी धुल रहे हैं भाई यहाँ पे तो आज। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई हमने गाड़ी उठवा के वॉश करवानी है तो वो हाइड्रोलिक वाली जगह खाली है, हम लगा सकते हैं गाड़ी। ये भाई साहब पाइप हटाना चाह रहे हैं शायद एक दफ़ा, उसके बाद लगवाएंगे। सारी विंडोज होनी चाहिए बंद, क्योंकि पानी आ जाता है अंदर प्रेशर के साथ। मट्टी कितनी गिर रही है भाई। नहीं गाड़ी को वॉश करवा के भाई इस तरह के हालात में से गुजरना पड़े ना, दिल पे छुरियां चलती हैं। छोटा सा पंगा हो गया यार। गाड़ी सर्विस करवाने के बाद जो ट्रंक का पिछला कवर होता है और विंडोज की नेट जो होती है वहीं पे छोड़ दिया। मैंने उनको कहा था कि भाई इनको वॉश कर दें, वो वॉश करने के बाद उन्होंने साइड पे सुखाए थे घास के ऊपर, वहीं पे भूल आया उनको। हम लोग भी सर्विस स्टेशन होके आ गए, सर्विस स्टेशन बंद हो चुका था। वहाँ पे दूसरी साइड पे भाई खड़े हुए थे, उन्होंने कहा आपकी चीज़ें अंदर रख दी हैं, सुबह मिल जाएंगे।